देखिए ये है विशाखापट्टनम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है विशाखापट्टनम म्यूजियम के बारे में, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं विशाखापट्टनम म्यूजियम में क्या कुछ देखने को मिलता है। सो फिलहाल अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ के कुछ बाहर की नज़ारे, तो चलेंगे टिकट लेंगे चलेंगे अंदर, बड़े पुरान तक अभी सारे कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि कोई कोई फोटो क्लिक किया जाए। देखिए ये है विशाखापट्टनम की बाहर की दृश्य देख सकते हैं, यही पे सामने में है विशाखापट्टनम म्यूजियम, ये पड़ता है रेलवे स्टेशन से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूर, जो फाइटर जेट का जो म्यूजियम है या फिर पनडुब्बी का जो म्यूजियम है या फिर आर के बीच है उसी के सामने में ये भी पड़ता है जस्ट 200 मीटर आगे पे। चलिए देखते हैं यहाँ भी क्या कुछ देखने को मिलता है, सो तो बने रहिए हमारे साथ, आपको यहाँ के बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। ओके बाहर में एक मिसाइल है टॉर्पीडो और एक है सबमरीन का तो कुछ भाग, और दो छोटे छोटे बड़े बड़े टॉर्पीडो है, और रहा विशाखापट्टनम म्यूजियम का मेन गेट। टिकट का रेट मात्र 10 रुपया। तो देखिए चलते हैं सीधे विशाखापट्टनम म्यूजियम के अंदर और देखते हैं यहाँ के कुछ अनोखी दृश्य। वन टिकट, एक टिकट, ये कुछ कुछ चीज़ें रखी गई है गाइस पार्क के जैसा, यहाँ पे देखो कलाकृतियाँ, और इधर एक ट्रेन रिसोर है, कोई मिसाइल लॉन्चर या कोई गोली दागने वाला मशीन है, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा वो किरण टाइप का कुछ है। बाहर में ये सब कुछ रखा हुआ है, इधर फ्लाइट है। मुख्य द्वार
कैसा लगा। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी कुछ कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए, अच्छा लगा तो अपने भाई के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.